एक निजी बस ने पैदल चलते एक युवक को टक्कर मार दी, जिससे युवक की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई और पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को जिला अस्पताल स्थित मोर्चरी में रखवाया है। ये तस्वीरें मैं आपको बाड़मेर के जिला अस्पताल स्थित मोर्चरी की दिखा रहा हूँ। दरअसल बाड़मेर के ग्रामीण थाना क्षेत्र के नेशनल हाईवे जो बाड़मेर जैसलमेर का हाईवे है, वहाँ पर स्थित बोथिया गांव के पहले जो बोथिया पुलिया आता है, वहाँ पर एक युवक जो अपनी बहन के घर से अपने घर की तरफ जा रहा था, सड़क किनारे पैदल पैदल जा रहा था। इस दौरान एक निजी बस जो दूसरी बस से ओवरटेक कर रही थी, उस बस ने युवक को टक्कर मार दी, जिससे उसकी मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। घटना की जानकारी मिलने के बाद ग्रामीण पुलिस मौके पर पहुंची। थाना अधिकारी पर्वत सिंह मय जाप्ता मौके पर पहुंचे तथा एम्बुलेंस के माध्यम से उसके शव को जिला अस्पताल स्थित मोर्चरी में रखवाया है और पूरे मामले की जांच शुरू की है। ऐसा बताया जा रहा है कि करीब 42 वर्षीय वीरमा राम जो रोहिली का है, वो अपनी बहन के घर से अपने घर की तरफ जा रहा था। इस दौरान ओवरटेक करते समय एक निजी बस ने सड़क किनारे चल रहे युवक को टक्कर मार दी, जिसके कारण उस युवक की मौके पर ही मौत हो गई। फिलहाल पुलिस ने शव को अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया है और पूरे मामले को लेकर जांच शुरू की है। ऐसा बताया जा रहा है कि उस बस को भी कब्जे में ले लिया है। इस पूरे मामले को लेकर पुलिस जांच कर रही है। 42 वर्षीय युवक अपने बहन के घर से अपने घर की तरफ जा रहा था, इस दौरान बस ने उसे टक्कर मार दी, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई है। फिलहाल पुलिस ने शव को मोर्चरी में रखवाया है और परिजनों की रिपोर्ट के आधार पर अग्रिम कार्यवाही की जाएगी और जो मृतक है उसके परिजन और उसके आसपास के लोग, रिश्तेदार, पड़ोसी मोर्चरी पहुंचे हैं और पूरे मामले को लेकर पुलिस परिजनों की रिपोर्ट के आधार पर जांच शुरू करेगी। बाड़मेर गंगानगर की बस बताई जा रही है, जो निजी बस है, उसने इस युवक को टक्कर मार दी, जिससे उसकी मौत हो गई है। सर, क्या नाम है आपका, क्या घटना हुई थी और कहाँ पे हुई थी? मेरा नाम खरता राम है, मैं वहाँ के रहवासी हूँ, इनका पड़ोसी हूँ। बहुत ही पुलिया के पास मेरा घर है और वहाँ से वो गंगानगर वाली बस थी, वो ओवरटेक में बस थी। तो ये अपने बहन के घर से वो अपने घर जा रहा था, जब ओवरटेक में बस थी वो गंगानगर वाली, उसको चपेट मारने से एक्सीडेंट हुआ। क्या नाम है युवक का? युवक का नाम बीरमा राम है, पिताजी का नाम आदू राम है, नैन जात के हैं, रोहिली के हैं। मेरा नाम बीमा राम है, अभी बोथिया पुलिया पे बीरमा राम, सनोपश्री, आदू राम पैदल पैदल जा रहे थे अपने घर की तरफ, तभी बाड़मेर से गंगानगर के लिए बस जा रही थी, उसने चपेट में ले लिया। क्या नाम है युवक का और कहाँ जा रहा था? बीरमा राम सनोपश्री आदू राम जी नैन रोहिली, रोहिली के निवासी, हमारे पड़ोसी। बहन के घर से आपके घर जा रहा था? अपनी बहन के घर से, मतलब अपने घर की तरफ। आपको कैसे मालूम पड़ा कि? हमें तो कॉल आया था, तब हम भी गए देखा, तब पता चला हमें, पहले तो हमें पता नहीं था। आपने इसको सूचित भी किया होगा? हाँ, पुलिस को भी सूचित किया, पुलिस भी आ गई, माइंस की एम्बुलेंस भी भेज दी थी, वो भी आ गई थी, अभी मोर्चरी लेके आ गई।